हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विद नेहा। तो कोई सा भी मेकअप लुक करने से पहले मैं अपनी स्किन और अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ। तो फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर। इसे चाहे तो ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है ये। अपने फेस के साथ साथ अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, सो अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज करें। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, लिक्विड कंसीलर है ये, सेड है 03, और इसे मैं अपने आईलिड पे और अंडर आइज एरिया पे लगा रही हूँ डॉट डॉट करके। उसके बाद मैं अपने फिंगर टिप्स की सहायता से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि हमारी आईज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए अपने फिंगर टिप्स की ही हेल्प से इसे ब्लेंड करिए। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ब्राउन आई शैडो में से ब्राउन आई शैडो ले रही हूँ, और उससे अपनी आईब्रोज को हाईलाइट करूँगी। तो आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के बाद अब मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी, जिससे कि मेरी आईब्रोज़ काफ़ी डिफाइन लगे। तो इसके लिए मैं अपने आईब्रोज़ के सराउंडिंग कंसीलर लगा रही हूँ। इसे भी मैं अपने फिंगर टिप्स की सहायता से हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी, उसके बाद अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। देन मैं यहाँ पे सेलो टेप ले रही हूँ और इसे अपने आई कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। तो जिनको आई मेकअप बिल्कुल भी करना नहीं आता, वो अगर सेलो टेप को इस तरीके से लगा के अपना आई मेकअप करते हैं तो उनका बिल्कुल प्रोफेशनल आई मेकअप हो जाता है और उन्हें आउटर कॉर्नर क्रिएट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लाइट महरून सेट कलर है इसे ले रही हूँ और इसे अपने आई लिड पे अप्लाई करूँगी। आज का जो आई मेकअप है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि आज के आई मेकअप को मैंने कंप्लीट किया है अपनी वाटरप्रूफ लिपस्टिक से। सो मुझे पर्सनली ये आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मैंने फर्स्ट टाइम लिपस्टिक का यूज़ किया है अपने आई मेकअप के लिए। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आता है तो प्लीज़ इस लिपस्टिक वाली ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा, आप लोग को खुद पसंद आएगा ये ट्रिक। तो उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन शेड ले रही हूँ और जहाँ पे मेरे आईब्रोज़ के जो आईब्रो जहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ वहीं पे इसे लगा रही हूँ, उससे मेरी आईब्रोज़ डिफाइन भी हो जाएंगी और वहाँ का एरिया हाईलाइट भी हो जाएगा। इसके बाद मैं अब मस्कारा लगाने जा रही हूँ। तो जब भी आप मस्कारा लगाएं, आप 2 से 3 कोट लगाएंगे तो आपका जो आईलैशेस है वो अच्छे से कर्ल हो जाता है। इसके बाद आप कलर का यूज़ करें। तो मस्करा लगाने के बाद मैं यहाँ कलर की हेल्प से अपनी लैसेस को कर्ल कर रही हूँ। तो इसे ऊपर की तरफ अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपकी लैसेस ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और उसके बाद आपको एक बार और मस्करा लगा देना है तो आपकी लैसेस वहीं पे सेट हो जाती हैं। अपने लोअर लैसेस को बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ पे भी मस्करा ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद अब मैं लिपस्टिक का यूज़ करने जा रही हूँ आईलाइनर के लिए। तो विंग्स आईलाइनर क्रिएट करूँगी मैं महरून लिपस्टिक से, क्योंकि मेरी साड़ी से बिल्कुल मैच करता हुआ है। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आइडिया है कि क्यों ना आज लिपस्टिक से ही आईलाइनर लगाते हैं, वो भी विंग्स आईलाइनर। तो मैंने देखिए लगाया, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। तो आईलाइनर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर आईलाइनर का ही जो एप्लीकेटर होता है उसको साफ़ करके यूज़ किया है, क्योंकि इसका जो ब्रश है वो थोड़ा थिक है तो लगाने में इधर उधर लग जाता है, इसलिए मुझे एप्लीकेटर का यूज़ करना पड़ा। अभी देखिए मैंने अपने दोनों आँखों में आईलाइनर लगा लिया है, उसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही हूँ काजल।
इसके बाद मैंने अपने आई शेडो पैलेट में से रेड सेट चूज़ किया है और उसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी और इससे जो हमने लिपस्टिक से अपने विंग्स बनाए हैं कॉर्नर में उससे अटैच कर देंगे तो ये एक फिनिश लुक आ जाएगा। सो वहाँ पे आप ज़रूर अटैच करें इसे। इसके बाद मैंने गोल्डन सेट लिया है और इसे अपने इनर कॉर्नर पे लगाया है। तो इसके बाद मैं अपना सेलो टेप रिमूव कर दे रही हूँ। तो अब देखिए मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, कितना सुंदर आई मेकअप हुआ है। उसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ फेस का। तो मैं यहाँ सबसे पहले यूज़ करने जा रही हूँ प्राइमर। जिनकी स्किन पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उनको मेकअप प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं यहाँ पे मेकअप प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को फ्लॉलेस बनाने के लिए। तो प्राइमर लगाने के बाद आप 5 मिनट तक उसे छोड़ दें, उसके बाद ही अपना मेकअप स्टार्ट करें। तो उसके बाद मैं यहाँ कंसीलर ले रही हूँ और इसे अपने फेस पे जगह जगह पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मुझे मेरी स्किन थोड़ी डार्क सी लगती है। उसके बाद इसे मैं अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ब्लेंड करूँगी टैप टैप करके। इसके बाद मैं यहाँ लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इसे भी अपने फेस पे डॉट डॉट करके लगाऊंगी और उसके बाद अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही इसे ब्लेंड करूँगी। और फाउंडेशन को अपने नेक में ज़रूर अप्लाई करें, नहीं तो आपका नेक जो है आपके फेस से डिफरेंट लगेगा। अब मैं ब्लश यूज़ करने जा रही हूँ। तो मैं लेके थोड़ा डाउट में थी कि कौन सा कलर लगाऊँ, फिर मैंने लाइट पिंक चूज़ किया और मैं इसे अपने चिक बोन्स पे लगा रही हूँ। तो लेने के बाद मैं ब्रश को झाड़ के और जो उसमें एक्स्ट्रा कलर है उसको निकाल के फिर तभी अप्लाई करती हूँ, जिससे कि ज़्यादा ना लग जाए। फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया था तो मुझे थोड़ा ब्लेंड करना पड़ा अच्छे से। तो जब आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तो थोड़ा सा नेचुरल सा हो जाता है। उसके बाद मैं अपनी लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ। तो लिपस्टिक लगाने के लिए सबसे पहले मैं अपने वी शेप क्रिएट करती हूँ, तो उसके बाद अपनी आउटर लाइन, उसके बाद अपनी लिपस्टिक को फिल करती हूँ। तो आज का जो मेकअप है उसमें लिपस्टिक, मेरी आईलाइनर और साड़ी, ये तीनों मैचिंग सी हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लुक लगा ये। वैसे आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट लूज पाउडर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, जिससे कि जो मेरे ब्लश लगाए हैं वो थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो वो थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद लूज पाउडर को मैं अपने नेक में भी अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपनी जो हाईएस्ट पॉइंट है उनको हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लगाया है महरून कलर की बिंदी, तो बिंदी लगाते ही लुक बिल्कुल डिफरेंट हो गया।
इसके बाद मैं अपनी हेयर स्टाइलिंग करने जा रही हूँ। तो हेयर स्टाइलिंग के लिए मैं अपने साइड लेयर्स एक साइड कर रही हूँ, उसके बाद अपने हाफ बालों को लेके आज मैं खुली हेयर स्टाइल रख रही हूँ इस मेकअप लुक के लिए। तो अपने हाफ बालों को लेके और उसको मैं क्लेचर की हेल्प से पफ बना दे रही हूँ वहाँ पर। उसके बाद जो मैंने लेयर्स निकाले हैं इनमें से हाफ बालों को लेके पतली सी चोटी बनाएंगे, ऊपर जितने बाल हैं उनको लेके। बिल्कुल हल्की सी टाइट चोटी बनानी है, ज़्यादा ढीली भी नहीं करनी है, ज़्यादा टाइट भी नहीं। चोटी करने के बाद मैं यहाँ पे रबर बैंड की हेल्प से इसको सिक्योर कर रही हूँ। इसके बाद हम ऊपर से जो हमने चोटियाँ बनाई उसमें थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए जो हमने एक्स्ट्रा बाल छोड़े हैं उनकी पतली पतली लेयर्स को हम उसमें से अंदर की तरफ ले जाते हुए पीछे की तरफ निकाल देंगे। ऐसे आपके जितने बाल छूटे हुए हैं सामने उन सबको ऐसे कर देंगे तो एक बहुत ही अच्छा लुक आता है सामने से। और ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपको पसंद आती है तो आप इस हेयर स्टाइल को ज़रूर करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। इसके बाद आप इसको आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा सा पुश करके इसे पीछे बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लीजिए। इसके बाद हमारा मेकअप और हेयर स्टाइल दोनों कंप्लीट हो जाता है। तो आज मैंने ज्वेलरीज में कुछ भी नहीं पहने, सिर्फ इयररिंग्स पहने हैं। तो मुझे तो ये मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इस मेकअप लुक को आप दिवाली पे और किसी भी फेस्टिवल पे या फिर पार्टी वगैरह में कर सकते हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। इस हेयर स्टाइल को, इस आई मेकअप को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको पक्का पसंद आएगा। तो वैसे इस मेकअप लुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो वैसे आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।